इतना काम हुआ है, वो ट्राइबल के लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये उसके बाद ये कह रहे थे कि अपना जो पूरी धारणा है जंगल का पानी का, जो नेचुरल पानी वो इस्तेमाल करेंगे, पानी दोनों चीजें हैं। नहीं, मैं तो बार बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि हम सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा, क्योंकि पानी की गड़बड़ी के कारण से कई प्रकार की बीमारी होती थी। और मैं चूंकि आदिवासी से हूं और मैं ऐसे क्षेत्र जहां पे जंगल पहाड़ में हम लोगों ने बचपना हम लोगों की बीती, और जो मैं बताना चाहूंगी कि आदिवासियों की ये स्थिति थी कि जंगल के किनारे रहते थे, खेतों के किनारे रहते थे, पहाड़ में रहते थे, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे पहाड़ की वो झिरियाँ रहती थी, नदी नाले रहते थे, वहीं के पसों पसों पानी पीते थे। तेंदुपत्ता तोड़ने जाते थे तो ये स्थिति रहती थी कि कोई यदि नाला है तो वहाँ पे नाला में झिरिया खोद करके और वहीं के पानी पीते थे। यदि शादी हो या कोई ऐसे सामूहिक कोई फंक्शन होते थे तो तालाब से बैलगाड़ी के छकड़े में ड्रम रख करके और पानी ला करके और सार्वजनिक कोई कार्यक्रम करते थे तो ये सारी चीजें रहती थी। वहीं मवेशी भी नहाते थे, वहीं के तालाब के पानी भी पीते थे। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन भावनाओं को ध्यान में रख करके और जिस तरीके से योजना को लॉन्च किए, वाकई में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज की डेट में जैसे आपने कहा कि आदिवासी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं और आत्मा से दिल से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, सरकार को बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमारे लिए शुद्ध पानी पीने के लिए इतना अच्छा व्यवस्था बनी है।